Hey guys, welcome back to Raju Mathur Fitness Channel. So guys, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरे साथ में खड़ी हुई है फीमेल एथलीट प्रिया सिंह। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और मैम, आपने बॉडी बिल्डिंग के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया है, भारत को गोल्ड मेडल के साथ में जो है प्रो कार्ड भी दिया है। तो आपकी जो बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और लोगों को आपने किस तरीके से फेस किया? क्योंकि एक फीमेल होने के बाद बॉडी बिल्डिंग आप जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बताइए। देखो, मेरी जर्नी 2016 से शुरू हुई थी और उस टाइम मैं नॉर्मल ट्रेनर थी और राजस्थान में तो ट्रेनर होना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो वहाँ तरह तरह के कमेंट्स आते थे और बॉडी बिल्डिंग में आना, तो देखो मैंने जब फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिशन देखा तो वहाँ सब स्टेट से थी और राजस्थान से कोई लड़की भी नहीं थी। उस वजह से मैं अपनी फील्ड में ट्रेनर थी तो मैं इससे बेस्ट कुछ कर नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना चाहिए। और मेरी बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए सब लोग मुझे पहलवान बोलते थे कि पहलवान है। तो मैंने जब फर्स्ट कंपटीशन खेला था तब तो मेरे साथ के जो फीमेल थी, हाउस कीपिंग वगैरह थी, वो सब ने मेरे से बात करना बंद कर दिया था। और मेरे साथ के ट्रेनर थे वो बोलते थे, अरे ये प्रिया तो मर्द बन गई है, अब इसके मतलब घर वाले इसको छोड़ देंगे और ये तो आदमी हो गई है, अब ये तो ट्रांसजेंडर लगती है। बट मैंने कभी उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। मैंने ये सोचा कि अगर मैं ट्रांसजेंडर बन जाती हूँ तो बाकी लड़कियाँ बन गई होगी, जब उनकी इतनी रिस्पेक्ट है तो मेरी भी रिस्पेक्ट होगी। ये तो इनका सोचने का नज़रिया, ये किस तरह सोचते हैं। तो इस तरह मैं आगे चलती गई और कई मतलब जैसे मुझे टाइटल है घूंघट से बिकनी तक सफ़र, और घूंघट राजस्थान की पटना पट्टा है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत लोग कमेंट भी करते थे, अरे तूने राजस्थान की संस्कृति को दखल दिया है, तूने मतलब संस्कृति को मतलब उन देश विदेश में मिक्स कर दिया और ये सभ्यता नहीं है, इसको असभ्यता बोलते हैं, ये इसको झुंझड़ापन बोलते हैं। तो मैंने ये कहा कि मैं सबसे बड़ी बात है कि एक बात बताओ, मेरा कॉस्ट्यूम बिकनी है ना, और मेरी घूंघट मेरी परंपरा पर, और परंपरा मेरी अलग है और मेरा कॉस्ट्यूम अलग है। मैं कोई ग्लैमर लाइफ से हूँ नहीं कि मैं मतलब अपना जिस्म नुमाइश करी, और मैं बॉडी बिल्डर हूँ तो मैंने खुद को बनाया है। और ख़ुद को बनाने के साथ साथ आप एक चीज़ सोचिए कि मैं जब ये लहंगा लुगड़ी ये घूंघट निकाल के जाऊँ स्टेज पे, फिर वो ऐसे उतार उतार के मानसिकता चेंज करने को सामने वाले को मौका दूँ कि भाई तुम मानसिकता चेंज, भाई क्या देखो अब ये घूंघट उतारी का क्या दिखेगा, अब ये ब्लाउज उतारी की क्या दिखेगा, अब ये पेटीकोट, इससे अच्छा मैं छोटा कॉस्ट्यूम पहन के लोगों को देखने का मौका ही नहीं दूँ, मैं अपनी मसल को प्रेजेंट करूँ, तो जिससे मानसिकता चेंज होगी और जैसी जिसकी सोच होगी ना वैसे सोचेगा। मैं अगर ब्लैक एंड वाइट पहनती हूँ ना तो मुझे सामने वाला ब्लैक एंड वाइट दिखेगा, अगर मैं ट्रांसपेरेंट पहनती हूँ तो मुझे सामने वाला ट्रांसपेरेंट दिखेगा, तो ये तो सोच के। तो उन सभी के लिए ना मैं आप सभी को बता दूँ, जो लोग ऐसा सोचते हैं, ये जो मेडल है देश के लिए बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है, ये आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। बोलने वाले जो लोग हैं, जो समाज है, हमारे लिए कभी कुछ करके नहीं जाता, वो सिर्फ बोलेगा और चला जाएगा। तो उन सभी लोगों पे ध्यान ना देते हुए आपने ये बोलती थी, देखो मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, हमने 8 साल की एज में शादी हो गई थी और मैंने ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल देखा है, शायद भगवान से कहूँगी भगवान किसी को नहीं दिखाए। तो खुशियाँ क्या होती मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं पता होती, मुझे 4 लोग मिल जाते हैं मैं उनके साथ खुश हो जाती हूँ। और ये मेडल मानना, मैंने आज अपने देश का अपने स्टेट का नाम रोशन किया है, और मैं ऐसी कैटेगरी से आती हूँ, मतलब दलित समाज से आती हूँ, तो वहाँ तो लड़की को औरतों को वैसे भी नहीं देखा जाता। तो मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं इंडियन हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, प्लस मैंने अपने देश का नाम तो रोशन किया है। जो फीमेल्स हैं जिनकी आवाज़ दब जाती है, कुछ करना चाहती हूँ उनके लिए क्या बोलते हैं? देखो मैं ये कह रही हूँ, आप पहले खुद के बारे में सोचिए कि जो चीज़ आपको शर्मिंदा फील करती हो वो आप मत करिए, जो आपको अंदर से प्राउड फील करती हो बेखौफ करिए, किसी को रोकने से नहीं रुकती। जो आप दूसरों को नहीं बता सकती वो गलत है, और जो खुद फील करके अंदर से खुशी मिलती है वो आप करिए। और मैं तो यही कहती हूँ, देखो बेटा होना सबका हक मिलता है, बेटियों के देश का नाम रोशन करना बार बार नहीं मिलता, तो आप अपने देश का स्टेट का नाम रोशन करिए और ऐसे आगे बढ़िए। फीमेल्स को फिटनेस के लिए मोटिवेट कर दो कुछ कहें। देखो जो फीमेल ये सोचती है ना कि अब हमारी शादी हो गई, अब हमें पति मिल गया, अब हमें क्या करना, खाओ पियो खेलते रहो, तो प्लीज़ इस पर ध्यान मत दीजिए, खुद फिट रहेंगे, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप स्ट्रॉन्ग हो
तभी सामने वाले से गलत में फाइट कर सकते हो, तब जब ही अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हो दूसरों के लिए बेहतर कर सकते हो। तो अच्छा खाइए, हेल्दी सोच रखिए, हेल्दी खाइए। आप एक बार भाई सकते हो देख सकते हैं। सो गाइज, ये थी मैम राजस्थान से, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, लोगों की सोच के बारे में बताया। तो ऐसी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारी वुमन है इंडिया के अंदर, जो वुमन की कुछ जगह पे जो रिस्पेक्ट है वो बहुत कम है, तो उनको जो है इंस्पिरेशन मिल पाए। तो अगर आप पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में ऐसी मोटिवेशन की वीडियो आप देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत।